नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे मटन, जो बहुत ही आसान तरीके से और झटपट स्पाइसी चटपटा गांव वाली फ्लेवर हम लाएंगे अपने मटन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। कैसे बनाते हैं, बहुत ही फटाफट बन जाता है, जिसे हर कोई बना सकता है इस मटन को। चलिए शुरू। तो यहाँ पर हम 750 ग्राम मटन लिए हैं, जिसे अच्छे से धो लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम मटन धो करके रख दे रहे हैं, तब तक मसाले की तैयारी कर ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिए हैं, 20 काली मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की गांठ और 8-10 लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को हम सबसे पहले ग्राइंडर जार में डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे 2 गांठ छीलकर, जिसे हम डाल दिए हैं, और उसके बाद 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जीरा सब डालकर हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट बन गया। हम मटन को ले लेंगे, पानी इसका जो है उसे अच्छे से निकाल लेंगे, और जो पिसी हुई मसाला है उसे उसमें हम डाल देंगे, और 2 बड़ा चम्मच धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो सरसों का तेल इसमें ज़रूर डालें, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर लें। तो यह बनाना बहुत ही आसान और इजी है, और बिल्कुल गांव जैसा टेस्ट फ्लेवर एकदम। तो इसे चम्मच से मिला लें इस तरीके से। यदि चम्मच से नहीं मिला पा रहे हैं आप, तो हाथों से इस तरीके से मसल कर इसे मसाले को अच्छे से कोट कर लें, और इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि मसाला जो है ना मटन ऑब्जर्व कर ले। तो चलिए तब तक हम क्या करेंगे कि प्याज वगैरह छील लेते हैं। तो यहाँ पर 750 ग्राम मटन के लिए हमने 400 ग्राम प्याज लिया, 2 बड़े साइज़ का, 2 मीडियम और 1 छोटे साइज़ का। तो प्याज को हम इस तरह लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे, न ज़्यादा मोटा न ही ज़्यादा पतला। आधे घंटे बाद हम कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे, और इसमें 2 बड़ा कलछी तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए फिर हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 4 इलायची और 5-6 लौंग और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा और 6-7 लाल मिर्च डालकर इसे भून लेंगे, फिर इसमें प्याज डाल दें। तो दोस्तों, आप यदि इसी स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप एक बार मटन ज़रूर बनाकर देखें। बिना टमाटर का देसी स्टाइल में मटन बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इसी तरीके से। तो इस तरीके से हमारा प्याज हल्का इसको लाल कर ले, ज़्यादा लाल नहीं, हल्का, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम प्याज को हल्का सुनहरा लाल कर लेंगे, और उसके बाद मसाला मिलाया हुआ मटन हम प्याज में ऐड कर लेंगे। तो अब इसे चला ले, अच्छे से मिला ले प्याज और मटन को, और उसके बाद जिस बर्तन में हम मटन रखे थे उसी में हम पानी डालकर इसके ऊपर रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम 15 से 20 मिनट इसी तरीके से पानी रखकर हम भूनेंगे, और 20-20 में देखते हुए चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक हम इसे भूनते रहेंगे, जब तक कि हमारा मटन से तेल दिखाई न दे, है ना। तो बहुत ही आसानी से या बहुत ही टेस्टी बनता है यदि आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर भूनते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं पानी हमारा इसमें का सूख चुका है। तो इस स्टेप पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और एवरेस्ट का मिर्च मसाला 1 पैकेट यानी 1 बड़ा चम्मच। तो कश्मीरी लाल मिर्च आप यदि कलर चाहते हैं तो डालें, या वरना स्किप कर सकते हैं, जिससे कलर बहुत सुंदर आता है। तो अब इन मसालों को हम मिला लेंगे, और फिर से एक बार ढककर इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हमारा हो चुका, अब हम इसे देख लेते हैं कैसा है। तो देखिए तेल बिल्कुल रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर। इस तरीके से यदि आप मटन बनाते हैं तो हर कोई आपका तारीफ करेगा और उंगलियां चाट चाट कर खाएगा।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम जो पानी इसके ऊपर रखे थे गरम, उस पानी को हम इसमें डाल देंगे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। तो हमने इसमें एक गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी डाले हैं, तो पानी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिलाकर और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि मटन हमारा आधा पक चुका है। तो 5 सीटी हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम प्रेशर कुकर को खोल कर देख लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है ना, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम देख के मुंह में पानी आ जा रहा है। तो देखिए ग्रेवी हमारी, देखिए इसकी थिकनेस, देखिए ग्रेवी की भी कितनी सुंदर है ना। तो अब हम इसमें से एक पीस निकाल कर देख लेंगे पका है कि नहीं। तो हमारा यह मटन पक चुका है अच्छे से। यदि ना पका हो तो आप वापस से आप 2 सीटी लगा सकते हैं। तो सबसे अंत में हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच घी डाल देंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप अंत में घी डालें और 1 टीस्पून गरम मसाला, तो जिससे मैं दिखा ना सकी, और इसे अच्छे से मिला दें और वापस से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दें। तो ये उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो ये हमारा बनकर तैयार है लाजवाब मटन देसी स्टाइल। तो चलिए सर्व करते हैं हम इसे। तो दोस्तों है ना कितना आसान बनाना, कोई तामझाम नहीं, कोई भी बना सकता है इस मटन को और देसी स्टाइल एकदम। तो इसे आप रोटी चावल या लिट्टी के साथ सर्व करें। तो यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए और बनाने के तरीका पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।